इधर छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लंपी वायरस से जानवरों के ग्रसित होने और उनकी मौत होने की खबर भी मिल रही है। बता दें कि पांडुना, हरई, जुन्नादेव, परासिया, बिछुआ समेत चारों तरफ इस वायरस का प्रभाव देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक पशु चिकित्सा विभाग इस वायरस की पुष्टि तक नहीं कर पाया। हालांकि उनका कहना है कि हमने बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कर दिया, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई प्रयास नजर नहीं आ रहा है। वायरस का जो मैं कलीमा गया था धवनिया गांव में, जो परासी विकास खंड का है, वहां पर जाकर मैंने खुद मतलब चार डॉक्टरों को लेकर साथ में गया था। वहां पर देखा कि संदिग्ध है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, और सैंपल हमने भेज दिए भोपाल। जैसे सैंपल आ जाते हैं और पॉजिटिव आता है तो उसके 5 किलोमीटर रेडियस में रिंग वैक्सीनेशन करना है। अपन ऐसी वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास अभी 25,000 वैक्सीन उपलब्ध है, जिसमें से अभी 10,000 का वैक्सीन मैं करा चुका हूँ। 15,000 वैक्सीन मेरे पास बैलेंस है। पर्याप्त मात्रा में मतलब मेडिसिन उपलब्ध है और मैंने सभी जगह जिले लेवल की टीम बना दी है और ब्लॉक विकास खंड स्तर पर टीम बना दी है। जैसे ही केस मिलते हैं वो तत्काल उनको सूचना देते हैं और तत्काल उनका इलाज कराया जाता है। लंपी वायरस के तहत से ग्राम पंचायत पार्टी में माधुरा कोरोने का बैल एक्सपायर हुआ, जिसकी सूचना पूर्व तहसील पांडुना में शासकीय दवाखाने में दी गई थी, पर शासकीय दवाखाने में जाने के बाद में भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।